लोकसभा चुनाव हुआ था और 2024 में हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाते हैं कि किस प्रकार से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं वो हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाते हैं। और सांसद ने जो वादे किए थे, जो विकास के मुद्दे लाए थे, वो गाँव में कितना विकास हुआ है, साथ ही में आपको सरकार ने जो विकास किया है उसकी पोल भी खोलेंगे और गली से मोहल्लों तक हर व्यक्ति से जानने का प्रयास करेंगे कि चुनावी माहौल क्या है, क्योंकि 5 दिन का समय बचा है और चुनावी माहौल गर्म नजर आ रहा है। लोकसभा सीतापुर 30 सीट से जनपद सीतापुर में 3 प्रत्याशी धुरंधर नेता है जो कि तीनों भाजपा के चेहरे हैं। पहले पूर्व विधायक जो है सदर सीतापुर से रहे राकेश राठौर, उसके बाद जो विश्वा विधानसभा है वहां से महेंद्र यादव पूर्व विधायक रहे, राजेश वर्मा जो कि भाजपा का एक चेहरा है जो कि सांसद रहे, अब सांसद के पद पे रहते हुए कितना विकास किया है आइए आपको दिखाते हैं और ले चलते हैं उस गली मोहल्लों में जहां पर लोग चुनावी चर्चा करते हुए नजर आएंगे और 13 तारीख को मतदान करने के लिए जो है मूड बना चुके हैं। किस कहां रहते हैं? फिरोजपुर। आपकी बार चुनाव है लोकसभा, आप तो जान ही रहे हो। हाँ, लोकसभा चुनाव है। कौन अब की बार मैदान में आने वाला है? सांसद सीतापुर का कौन बनेगा और प्रधानमंत्री कौन? पंजा, चुनाव से पंजा। पंजा राकेश राठौर। क्यों इतना मोदी से कितनी नाराज? मोदी राजेश वर्मा से 20, मतलब मोदी जैसे कोई नाराज नहीं? मोदी से नहीं है, राजेश वर्मा 5-4 बार हो चुके सांसद, कभी इधर आए नहीं क्षेत्र में, यहाँ एक बार मुलाकात अभी तक नहीं है। 5 किलो राशन दे रहे हैं, 2000 रुपए दे रहे हैं, खुश नहीं? ये तो सारी गवर्नमेंट देगी, सारी गवर्नमेंट। 5 किलो राशन पे जनता बिल्कुल पागल हो चुकी है। उससे ज्यादा है, खेता 5 क्विंटल खा जाते हैं बीघा, मतलब सांड। महंगाई बेरोजगारी लगती है। हाँ, भाजपा के लोगों को तो महंगाई लगती है, बहुत महंगाई है। 400 पार भाजपा कह रही है आपकी बात? ना, सब सड़वा खेतवा चढ़ जाते हैं। मोदी ऐसा प्रधानमंत्री पाना इतना मुश्किल है कि दोबारा कोई ऐसा प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता, क्या है इनका मत और क्या सोचती हैं? यो डबल इंजन की सरकार में महिलाएं कितना खुश हैं, कितना सुरक्षित हैं? आंटी ये बताइए गांव कौन सा है? तो पर चुनाव है लोकसभा, आपके पास क्या है? आपके लोग बन जाए तो सही है, बनने के बाद कोई नहीं, कोई कहीं जो हारत है कोई नहीं, कहाँ कोई आवत है? कोई आवत हो तो भाई बताओ। राशन वासन दे रही सरकार, 5 यू राशन चाहिए ना ही दे है? अब वो ऐसी मशीनें लगा जो वहाँ जाओ ना तो 5 किलो मिलते नहीं, 5 किलो राशन लेने में भी दिक्कत हो, दिक्कत कहे नहीं हो रही, ऐसी मशीनें लगाए है क्या कदम वहाँ जाओ अंगूठा धरो दूसरी दफा का बैठो, जब तुम्हारा नंबर आवे तब वहाँ मिले तो मिले, नहीं अंगूठा ना आवे तो वहाँ लौटी आओ, बरेगा 5 किलो युगल। 2000 रुपया मिले थे कि नहीं मिले? वो रुपया पैसा नहीं मिलते, नहीं मिलते। अरे मोदी योगी तो कह रहे हैं कि बहुत जो है इतना सारा विकास कर दिए हैं, गाँव रोडे बनवाए दिए, रोडे जहाँ बनवाई हुई है तहाँ बनवाई हुई है, गरीबे के साथी कोई नहीं है, बड़काऊ के साथी सब कोई है। आवास वास मिला है कि नहीं? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आपने किसी से काम, मतलब जो सरकार योजनाएं दे रही है कह रहे डायरेक्ट जो है पात्र को मिल रहा है, डायरेक्ट उसके खाते में? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। क्या करी दादी? कुछ नहीं, हम का पंजे नहीं मिले थे। पेंशन वेंशन बनी दादी की? नहीं बनी। कुछ नहीं बिटिया, पेंशन भी नहीं बनी दादी? पहले इधर बैठो, उधर बैठो, आज इधर आओ। ये दादी है, कितने साल की उम्र होगी दादी आपकी? अब हम बिटिया 50-60 के भी तो हो गए, करो 50-60 साल के हो गए। हाँ, अभी आपके पति है कि नहीं? नहीं है, दी दे देखती हो। कितने साल हो गए पति ने? अरे ज्यादा दिन हो गए हैं। तो बच्चों चाहे? हाँ, एक पोलिया हो गया भैया है, एक हमारा नहीं करा है तो चला गया वो। तो पेंशन आपने बनवाया क्यों नहीं दादी? बिटिया बनते नहीं तो क्या करी? किसी से कहा नहीं कि किसी से नहीं कहा, जहाँ चपर काल मई है बस कहे यू का तो दे, वो फोटो दे, यू वो दे, वो तो तमाम रुपये देहन तो खा जाते हैं। 2-3 बार कागज भी दिया फिर भी नहीं? हाँ, दो दान दे चुके हैं। अच्छा ये बताइए कि सरकार तो कह रही है, जो भाजपा की सरकार है कह रही 5 किलो राशन मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, पानी घर घर पहुंच रहा है, सब कुछ राशन मिलते हैं, पानी कम कम हो बताओ, सारी व्यवस्थाएं, कुछ व्यवस्था जहाँ हो तहाँ बताओ। समर लागे है,
और अब टोटी वाला दिए लग मंदिर हमारे द्वारे बना है उमा लगाई नहीं हमारे नए फिर अब की बार का लग रहा है कि अब की बार राहुल गांधी आएंगे या फिर मोदी बिटिया अब इनका तो हमार पंजन नहीं इच्छा है खराब हम भले कही हम हूँ नहीं दिया हमका कुछ पेंशन नहीं बनवाओ हमका का 5 किलो हम उसी बैंक दिया हमारे खेत अरे भाई उनका कुसुम पापा के यहाँ कहूँ आज तक कोई सुनवाई तो की नहीं हमका बताओ जो अभी विधवा पेंशन है वो भी महिलाओं की भी बनी नहीं है नहीं साल डेढ़ साल उन जाती की बनी है आप इधर आ जाओ पहले कोई डरने वाली कोई बात नहीं इधर आ जाओ अरे डरने वाली बात अच्छा यहाँ पे क्योंकि गांव की महिला है थोड़ा कोई दबने वाला होगा तो नहीं बैठेंगी अच्छा ये बताइए जो सरकार कह रही है भाजपा सरकार कितनी योजनाएं दे रहे हैं 2 किलो जो 2000 रुपया और 5 किलो राशन जनता अत्यंत खुश है हाँ खुश है बिटिया मगर जो कोई पावत है तो कोई खुश है जो कोई पावत नहीं तो वो कितना खुश हो तुम बताओ है बात की नहीं है तो कितना खुश हो खेतियों में यहाँ बुआओ वही में यहाँ मोदी के सरकार में यहाँ हरहा बचाओ चले डंडा लेके जो खेत में होता है वो भी सब वो वहाँ चली जाती है तो हम का करब हैं तो जितना जो नमक रोटी जरूरत जो है इतना खाई जाती है कहूँ से आए होती कब हो गाँव के यहाँ कुछ साल साल डेढ़ डेढ़ वर्ष से मरे भाई कहूँ 10 रुपया कर सब ताकि ही नहीं होती हैं हम पंचायत कुछ कभी कोई समस्या आती तभी सांसद यहाँ कुछ नहीं है सांसद जानते हो कौन नहीं जाने तुम्हें सांसद नहीं पता कौन सांसद ही नहीं पता है कौन है राजेश वर्मा को जानती कुछ नहीं वो जब अपने अपने जिले ने क्या सब करते हुए हैं कोई गांव देहाती में यहाँ गरीबे की लगे कोई कहूँ सहायता दे तो जानी थी है ना सांसद का देखे हो कि नहीं मिली हो कि नहीं हम नहीं बिटिया देखे हम खरवलिया में रहती है सिधौली सांसद सांसद तो जिले के पूरे जिम्मेदारी होती सांसद हाँ हम नहीं बच्चे आज ये देखिए जनपद सीतापुर का ये हाल है कि आज देखिए कितनी बुजुर्ग महिला होती है बिटिया जो है अगर लोटा पानी की ना दे तब भी अपनी पेंशन से खाएंगी लेकिन यहाँ महिलाओं का जो जवाब है वो सुनकर आप लोग भी हैरत में होंगे कि आज तक ये महिला परेशान रही और कागज देती रही लेकिन पेंशन नहीं बन पाए और 5 किलो राशन की बात जो करते हैं कि जनता बहुत खुश है ये जनता कितना खुश है जनता खुद बता रही है कि खुश है कि नहीं खुश है मशीन पर अंगूठा लगाओ दोपहर भरी बैठो कहा वो मिले कहा ना अंगूठा ना आवे तो वो मिलता हूँ ना कोटेदार हम कहाँ से दे दे तो वो लेके अपन बैठे महिलाएं गांव की थोड़ा सा शर्मीली भी होती है हम बनी बिटिया खुआ है अच्छा हमारी अब अपनी बेटिया खुआ आई है हाँ खरवलिया में हमारे घर मंदिर द्वारे बना 30 बीघा हमारे खेत डेढ़ वर्ष से मरे हुए घर ना कहूँ यहाँ का पेंशन न 10 रुपया कहूँ के ना काहे हो क्या कुछ ना खेती हो क्या कोई नई मतलब तमाम जगह ना लाइन कराए तमाम जगह कागज देन आई वही मम्मा कुछ नहीं तो हम सरकार लेके का करब जिनका मोदी खवावत वो खाई खाली दे बिटिया बिटिया है आपके बेटे भी नहीं है बेटियों की जिम्मेदारी कौन कौन हमें उठाते हैं खेती बाड़ी है खेती बाड़ी 3-4 बीघा है उसमें करने वाला कोई काम है कि नहीं करने वाला को करने वाला अभी तभी बताओ इतनी सारी योजनाएं आपको नहीं मिल पाऊ का बिटिया हमारी बिहाव करे वाली है कोई योजना हमका कुछ दीन होती कहूँ 10-50 हजार का हमका सहायता मोदी की न होती तो नहीं आकर अपनी बिटिया ही पार गरीबी में करी थी अस्पताल में ही मान दे पर कही दी 50 मोदी से नाराज दादी हम बहुत नाराज हैं मोदी जी तो कह रहे हैं बढ़िया देश इतना स्मार्ट देश बन गया है चलावा ही देश हो जाति पावत है वो खुश है वो खुश है वो पापा अरे दादी इधर आओ इधर इधर आ इधर देखिए गांव की महिलाएं इतनी हिम्मती होती है बहुत ज्यादा काम भी करती हैं देखिए जानवर जरा उधर दिखाइए भी देखिए जो है जानवरों का जो है चारा पानी कर रही है और इतनी सारी जो मेहनत करती हैं आंटी यहाँ आ जाइए आ रही आंटी आ रही है आंटी से बात भी करेंगे सिलेंडर फ्री दिया बे सिलेंडर फ्री मिला नहीं था कहूँ ये को मिला हो कब हो मिला हो तो बताओ रुपया वह पढ़ते हैं जो उन पुरान पढ़ते हैं अब उधर धरा है हम का तो लकड़ी पे खाना बनाते हैं और का और सरकार कह रही थी महिलाएं जो है धुआं मुक्त हो जाए आगे मोदी आए जाए समय है पर हमारे पंचन गावन में आ जाए हुए वही बैठे बैठे कानून बनाओ यहाँ आओ सिलेंडर कितने में है सिलेंडर इतने में है 1000 रुपये में है अब 850 में सिलेंडर आप भराएगी हाँ 850 में है 850 रुपए इकट्ठा कर लेती कितना ठक्का कर लो
कितना कैलो है बाग बिरवाई देखो लाग है लकड़ी ठोकरी तूर तार लाओ तो है मैं बनाओ खाओ और का है? मतलब सिलेंडर मिला और महंगाई के कारण जो है पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, इस वजह से नहीं भरा पा कहाँ भरा पा रहे न पैसा न रुपया कुछ नहीं है। पैसा नहीं आया नहीं आवा कुछ नहीं आवा कोई कोई के रमाएगा कोई के तो देखिए कि लोकसभा सीतापुर के जो सांसद हैं राजेश वर्मा क्या कभी इस क्षेत्र में आए, क्या किसी महिला या किसी परेशानी में किसी के घर पहुंचे, क्या किसी के मुसीबत में पहुंचे। अब चुनाव आ गया है तो बहुत सारे नेता आएंगे, बहुत सारे वादे करेंगे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत सारा विकास कर देंगे। मोदी सरकार जो दावे करती है, डबल इंजन की सरकार, इतना सारा विकास कर दिया है, 5 किलो राशन पे जनता खुश है, आपको लग रहा है खुश है? कितना जनता खुश है वो आपके सामने है। और अब की बार जनता ने जो मूड बना लिया है वो तय है कि किस तरह जो है